मन में तनाव है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, भगवान दे रहा है या हमने अपना ध्यान नहीं रखा? शरीर में बीमारियां आ रही हैं, भगवान दे रहा है या हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं था? प्रकृति ऊपर नीचे अपना खेल दिखा रही है, भगवान कर रहा है या हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया था? रिश्तों में छोटी बड़ी बातों में गांठे पड़ जाते हैं, ये भगवान दे रहा है या हमने अपने रिश्तों में सही सोच नहीं क्रिएट की? ये भाग्य कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? हम लिख रहे हैं। तो आज से एक क्वेश्चन खत्म करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए उंगली ऊपर 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 नहीं रखनी। तो उंगली कहाँ रखनी? उंगली कहाँ रखनी है? ये वाला ऑप्शन बेटर है या ये वाला ऑप्शन बेटर है? कौन सा ज्यादा बेटर है? उसकी वजह से हुआ या मेरी वजह से हुआ? कौन सा बेटर है? जब पता होगा मेरी वजह से हुआ तो पावर कम्स टू अस कि ठीक भी करना है तो कौन ठीक करेगा? हम ठीक करेंगे। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब वो नहीं जो भाग्य लिखता है, लेकिन भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने का विधान सिखाता है। भगवान हमें सही कर्म करना सिखाता है, हमारा भाग्य वो लिखता नहीं है। तो आज से उसको ब्लेम करना, और जैसे ही मन में आया मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली किस पर आने? अपने पर आने हैं। बचपन से हमने सुना आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। फिर भी जब हम किसी के अंतिम संस्कार पर जाते हैं, फ्यूनरल पर जाते हैं, तो बड़ा वैराग्य आता है और हम कहते हैं क्या लेकर गए अपने साथ, सब कुछ तो पीछे छोड़ गए। जीवन बड़ी फ्यूटाइल दिखती है कि सब कुछ तो पीछे छोड़ गए। और फिर कोई कहता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे? जो कुछ दिखता है क्या क्या दिखता है? हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमने सब कुछ जो अक्वायर किया वो हमारे साथ ना आया था ना हमारे साथ जाएगा। जो नहीं दिखता है, आत्मा के ऊपर रिकॉर्ड किए हुए संस्कार और कर्म हमारे साथ आए थे, हमारे साथ जाएंगे। बच्चा पैदा होता है, कुछ ही घंटों में हम पंडित जी को फोन करके टाइम बता देते हैं, और अगले दिन तक पंडित जी हमें उस बच्चे की जन्म पत्री दे देते हैं। किस किस के पास जन्म पत्री है? सबके पास है ना। ये जन्म पत्री कब बनी थी? उस दिन बनी थी जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ था। एक ही क्षण, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर दो बच्चे पैदा हो सकते हैं? सेम टाइम सेम प्लेस पर दो बच्चे पैदा हो सकते हैं? यस। ग्रहों का प्रभाव दोनों पर सेम होगा क्योंकि सेम टाइम सेम प्लेस, लेकिन फिर भी दोनों की डेस्टिनी बिल्कुल डिफरेंट। ये दोनों की डेस्टिनी बिल्कुल डिफरेंट क्यों? क्योंकि टाइम सेम है, प्लेस सेम है, लेकिन दोनों सोल्स जो संस्कार और कर्म लेकर आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जन्म पत्री एक साइंस है, साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट ऑन द संस्कार ऑफ द सोल। ग्रहों का प्रभाव आत्मा के संस्कारों पर। एक बार एक एस्ट्रोलॉजर से मैंने पूछा कि ये जन्म पत्री तो पहले दिन बन गई थी, अब सारे जीवन काल में जो हम कर्म करेंगे ये भविष्यवाणी पहले से कैसे पता है? क्योंकि अभी इस जीवन काल में भी तो कर्म करेंगे ना हम,
राइट हम तो उस दिन वाली जन्म पत्री देखते हैं पूरा जीवन, लेकिन इस जीवन काल में जो कर्म करेंगे उसका असर कोई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई, ध्यान से सुनना क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा सा इस तरफ चला गया था अभी। उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, उन्होंने कहा मेजॉरिटी लोग अपने संस्कारों पर काम नहीं करते, जो संस्कार लेकर आए थे उसके साथ ही चलते हैं, और अगर जो संस्कार हम लेकर आए हैं उसके साथ चलते हैं तो वो जन्म पत्री में जो लिखा है वो बिल्कुल राइट 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 होता जाएगा, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट ऑन द संस्कार ऑफ द सोल। तो मैंने उनसे पूछा अगर किसी ने अपना संस्कार चेंज किया, मतलब नेचर चेंज की, तो उन्होंने कहा अगर कोई आत्मा अपनी नेचर चेंज करती है, संस्कार चेंज करती है, तो वो वाले संस्कार के कारण उनकी जन्म पत्री में जो प्रेडिक्शन लिखा होगा वो वैलिड नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि संस्कार ही चेंज हो गया तो संस्कार के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव बदल जाएगा। तो डेस्टिनी किसके हाथ में हो गई, डेस्टिनी किसके हाथ में हो गई। और इसलिए हम सबका अनुभव है वो साइंस करेक्ट है, वो साइंस करेक्ट है, लेकिन हम सबका अनुभव है हमारी कुछ बातें राइट निकलती हैं और कुछ बातें राइट नहीं निकलती हैं। किस किस का ये अनुभव है कि कुछ कुछ बातें राइट निकलती हैं और कुछ कुछ बातें राइट नहीं निकलती हैं? सिंपल, क्योंकि कुछ कुछ संस्कार सेम है, कुछ कुछ संस्कार हमने चेंज कर लिए। तो जन्म पत्री हमें बता रही है कि हम कौन से संस्कार लेकर आए थे। जन्म पत्री इज लाइक द फर्स्ट अप्रैल ऑफ अ बिजनेस हाउस, ओपनिंग बैलेंस शीट ब्लैंक नहीं होने वाली है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आई है। और 31 मार्च कब है? 1 अप्रैल है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, 31 मार्च कब है? 31 मार्च कब है? 31 मार्च कब है? द लास्ट मोमेंट इन दिस बॉडी, लास्ट क्षण तक जो ट्रांजैक्शन करनी है करते रहिए, 31 मार्च आएगा, और जो एंड तक यहाँ ट्रांजैक्शन होगी, मतलब जो जो कर्म किए होंगे, जो जो संस्कार बनाए होंगे, एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ेगी, माँ के गर्भ में एंटर होगी, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा होगा, कुछ घंटों के अंदर 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट मिल जाएगी। अगर 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट अच्छी वाली चाहिए तो 31 मार्च की क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे होनी चाहिए? अब हमारा 31 मार्च आएगा कब? हमारा 31 मार्च कब आता है? कब आएगा नहीं पता। जब पता ही नहीं कि 31 मार्च कब आएगा तो ट्रांजैक्शन किस दिन ठीक करेंगे? अभी, क्योंकि 31 मार्च तो आज रात को भी आ सकता है। इतना सुंदर विषय रखा है, थिंक राइट नो मैटर व्हाट। अब ये जो नो मैटर व्हाट है इसमें हमें अपने जीवन के वॉट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में परिस्थितियाँ जो आ रही हैं, सिचुएशंस जो आ रही हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन इक्वेशन ये है कि बात चाहे कोई भी हो, इसीलिए नो मैटर व्हाट, हमें परमिशन ही नहीं है ये कहने की कि हम सही सोचना चाहते थे लेकिन बात, तो वो लेकिन की मार्जिन नहीं है, इसीलिए रखा
नो मैटर वॉट, मतलब डजेंट मैटर कि जीवन में बात कौन सी है, हमारी जिम्मेवारी क्या है सिर्फ, हमारी जिम्मेवारी क्या है, सही सोचना। पिछले हफ्ते में, आज संडे है, तो अपने जीवन को सिर्फ 7 डेज के लिए रिवाइंड करके देखते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या आपके जीवन में छोटी या बड़ी कोई ऐसी बात आई जिसमें मन थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा। किस किस की आई? वैसे परिस्थिति सोचने में थोड़ा टाइम लगता है आजकल, क्योंकि आजकल नॉर्मल हम थोड़ा सा हिलते ज्यादा रहते हैं। जब कोई चीज ज्यादा हो तो वो चीज ही नॉर्मल हो जाती है। कब हमारा मन बिल्कुल स्थिर था वो अगर सोचना पड़े तो याद भी नहीं आएगा कि वो बात कब लास्ट हुई थी। लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते को देखते हैं, एक मिनट रिवाइंड करें, जस्ट सिट बैक और अपने मन को थोड़ा सा रिवाइंड करें। कौन सी बात आई थी जब मेरा मन थोड़ा सा हिला? हिला मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा नाराज हुआ, थोड़ा सा उदास हुआ। सिट बैक, रिवाइंड करो और वो सीन को अभी सामने लेकर आओ, और मेरे मन ने उस टाइम क्या कहा, क्या मेरी सोच थी, क्या मेरे बोल थे और क्या मेरा व्यवहार बिहेवियर था। अब उसी सीन में चेक करें कि सही सोच क्या थी, व्हाट वॉज द राइट थॉट फॉर दैट सिचुएशन, और वो सही सोच को अभी क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने मन को सिखा रहे हैं कि जीवन में जब कोई बात आएगी तो सही सोच क्या है वो सिखाना है। जीवन में जो जीने का तरीका हमने बना लिया है वो ये है कि हम अपनी सोच को चूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसी जीवन की सिचुएशन वैसा हमारा रिएक्शन, तो जैसी बात आती है वैसा ही हम सोचते हैं। तो अगर बात अच्छी तो सोच अच्छी, और अगर बात अच्छी नहीं, अगर बात अच्छी नहीं तो सोच भी, फिर तो सोच किस पर डिपेंडेंट हो गई? ये सिचुएशन है, ये सोच है। अगर बात अच्छी, सोच अच्छी, उन्होंने मुझसे प्यार से बात किया, मैं खुश, इजी, वेरी इजी। बात अच्छी, सोच अच्छी, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैंने भी सम्मान दिया, बहुत इजी। तो बात अच्छी, सोच अच्छी, उन्होंने अपमान किया, बात उतनी अच्छी नहीं, उन्होंने रोज अपमान किया, बात बिल्कुल अच्छी नहीं। अब इसमें सोच अच्छी पॉसिबल? हाँ जी पॉसिबल, बट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट और इजी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। किस किस को लगता है पॉसिबल, किसको लगता है नॉट पॉसिबल? ये वो हैं जिन्होंने अपमान किया, इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है, इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है, वो कर रहे हैं। वैसे अपने मन की स्क्रीन में कोई ले आओ इस हाथ पर, किसी को ले आओ अपने जीवन का इस हाथ के ऊपर, अपना हाथ ही आगे कर लो, इजी हो जाएगा, बिठाओ उनको यहाँ पर। चलो एक हाथ, लेफ्ट हैंड पे उनको बिठाते हैं, ब्रिंग 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 योर हैंड आउट, ले आओ उनको बिठा लो। ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये पड़ोसी हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जो ऐसे ही कैसे कैसे बिहेव करते रहते हैं रोज, इनकी सोच कौन क्रिएट करता है?
खुद वो क्रिएट करते हैं। ये जो अपमान कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? वो खुद। अगर बाय चांस वो आज यहां बैठे हो, और हो सकता है साथ वाली कुर्सी पर बैठे हो, तो ये हो सकता है कि आपने उनको अपने लेफ्ट हैंड पे रखा और उन्होंने कहना है मैं, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे तो ये बैठे, इन्होंने काम ऐसा किया था जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला। तो क्या हुआ, हम उनको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं और वो हमको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं। अभी आप साक्षी होकर देख रहे हैं तो आप कहते हैं उन्होंने जो सोचा वो उनकी सोच थी, उन्होंने जो बोला वो उनके बोल थे, उन्होंने जो बिहेव किया वो उनका था। तो लेफ्ट हैंड सारा उनका था, अब राइट हैंड पे हम ले आओ ना, आपने हाथ इतनी जल्दी वापस कैसे रखा? लेफ्ट हैंड पे वो, राइट हैंड पे हम, कट्ठे बोलते हैं। उनकी सोच किसकी थी? पक्का ना? श्योर? हमारी कोई गलती नहीं थी? ओके। उनकी सोच उनकी, उनका बिहेवियर उनका, हमारी सोच पक्का, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। एक ही इक्वेशन है जो पूरी जीवन की क्वालिटी को बदल देगी। जब तक हम ये जीवन जिएंगे, उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मुझे ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, इतनी बड़ी बात थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, तब तक ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। सिचुएशन हमारे अनुसार होने वाली नहीं, उनका बिहेवियर हमारे अनुसार होने वाला, पक्का पक्का, यस। क्योंकि उनका बिहेवियर कौन चूज करता है? वो खुद। हम उनके साथ कितना भी अच्छा करें, कभी कभी वो फिर भी कुछ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर हमारे करने पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका बिहेवियर किस पे डिपेंडेंट है? उनके। सिमिलरली हमारी सोच और हमारा व्यवहार किस पे डिपेंडेंट है? हमारे। पक्का बोलो, पक्का, ऑलवेज, चाहे कोई भी बात आ जाए इस वाले हाथ पे। ऐसे घर जाके ये नहीं बोलना वो छोटी छोटी बातों में तो ठीक है लेकिन इतनी बड़ी बात में थोड़ी है। इक्वेशन जो होती है वो सेम रहती है। जिसको हम याद करेंगे, दैट्स ऑल्सो साइंस, जिसको हम याद करेंगे उसके मन की स्थिति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाएगी। सो अगर आप यहां बैठकर अभी किसी को याद करो हु इज अपसेट, जस्ट थिंक ऑफ समवन हु इज अपसेट राइट नाउ, तो क्या होगा? यहां से कनेक्शन कहां जुड़ गया? विथ समवन हु इज अपसेट, वाइब्रेशन डाउन। अब किसी को याद करो हु इज इमोशनली वेरी स्ट्रांग, कनेक्शन जुड़ा, वाइब्रेशन। अब भगवान को याद करो तो किसको याद कर लिया? हाईएस्ट वाइब्रेशन डाउनलोड। तो परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता, दैट इज व्हाट वी लर्न इन राजयोगा मेडिटेशन, कि कैसे उस शक्तियों को अपने अंदर और अपने हर कर्म में यूज करना है। तो अपने सुबह की दिन की शुरुआत शुड स्टार्ट विद द राइट थॉट। जो आप बनना चाहते हैं यहां, जो आप बनना चाहते हैं, आप थॉट क्रिएट करें कि मैं ऑलरेडी वो हूं। सपोज किसी को अपना गुस्सा खत्म करना है, एंड क्या बन जाना है? गुस्सा खत्म करना है और क्या बनना है? इम्पेशेंस खत्म करनी है और क्या बनना है? तो देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ थॉट, आई एम दैट, मैं हूं ही। मैं हूं क्या? पेशेंट बनना नहीं है, पेशेंस इज माई नेचर। आज से हम ये नहीं बोलेंगे इम्पेशेंस इज माई नेचर, हम बोलना शुरू करेंगे पेशेंस इज माई नेचर, पेशेंस इज माई संस्कार, पेशेंस इज माई पर्सनैलिटी, दैट इज हु आई एम। जैसे जैसे सोचना शुरू करेंगे, रिकॉर्डिंग यहां की
चेंज होती जाएगी, पहले वाली रिकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, ओवरराइट होती जाएगी, जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल सोल मीन्स आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। ये रोज बोलना है अपने आप को, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल। दिस इज अ ब्लेसिंग यू गिव टू योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग। आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जीज ऑफ पीपल एंड सिचुएशन। मतलब आज पूरा दिन हम कैसे होंगे, आज पूरा दिन हम कैसे होंगे, जब दो लोग मिलते हैं ना, एक की जीत होनी है दूसरे की हार। जब भी दो लोग मिलेंगे, एक की जीत होगी दूसरे की हार, डिपेंडिंग ऑन हूज एनर्जी ओवर पावर्स हो। जो दुखी थे उन्होंने आप पर ओवर पावर कर लिया, या एक ने दूसरे पे ओवर पावर तो करना ही करना है, वो तो होना ही है व्हेन टू पीपल मीट। बिकॉज जब दो लोग मिलते हैं, दो लोगों की एनर्जी फील्ड मिलती है, तो एक की एनर्जी फील्ड दूसरे पर ओवर पावर करती है। अब क्योंकि लोग एक एवरेज एनर्जी फील्ड पे चल रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम अपनी एनर्जी को रोज क्या कर लें। तो हमारे सामने जब कोई आएगा जो थोड़ा सा डाउन है अभी, वो हमें नहीं नीचे खींच पाएगा, लेकिन हम उसको ऊपर खींचेंगे। इसीलिए रोज अपने आप को ऊपर लेकर जाना है। जितना रोज अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे, आप सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप औरों को अपने साथ ऊपर लेके जा रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप दुनिया की वाइब्रेशंस को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर एक की वाइब्रेशन से दुनिया बनती है। आर वाइब्रेशंस रेडिएट इनटू द वर्ल्ड। सो लेट्स क्रिएट 5-6 थॉट्स फॉर अर्ली मॉर्निंग, जो हम रोज बोलेंगे, कर सकते हैं? और उसको फिर आप चेंज करते रहना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिचुएशन यू आर इन एट दैट टाइम। आई एम अ पावरफुल सोल, पावरफुल सोल, एंड देन विजुअलाइज व्हाट इज अ पावरफुल सोल। पावरफुल सोल जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के साथ बिल्कुल हिलती नहीं। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। What is the meaning of I accept people as they are? मतलब people का behavior और उनका संस्कार मुझे यहाँ हिलाता नहीं है। I discipline people, but I do it with respect and dignity. Which means हमने क्या हटा दिया, क्योंकि हमारा रोल है ना डिसिप्लिन करने का। आर रोल कुड बी डिसिप्लिन पीपल एट वर्क, आर रोल कुड बी टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन एट होम। डिसिप्लिन तो करना है, बट डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो कौन सी एनर्जी हटा दी? क्रिटिसिज्म हट गई, एंगर हट गया, अग्रेशन हट गया। आई डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम। जैसा हम सोचेंगे ना, लोग हमारे लिए वैसा बनते जाएंगे। पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम। वेरी इंपॉर्टेंट थॉट फॉर ऑल ऑफ यू, एक्चुअली फॉर एवरीबडी। गॉड्स एनर्जी, गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ सर्कल ऑफ एनर्जी अराउंड मी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एवरीथिंग इज एन एनर्जी। आपने देखा होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, बाढ़ आया, अर्थक्वेक आया, कुछ जगह होती है उन शहरों में, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है कोई, वो ठीक रहते हैं, आसपास सारा कुछ बड़ा सारा नुकसान हो जाता है। देखा है कभी ऐसा? ऐसे कैसे होता है वैसे? ये कौन सा मैजिक? लोग कहते हैं मिरेकल हुआ, ये कोई मिरेकल नहीं है, प्योर साइंस है। जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो वो नेचुरल कैलामिटी है, वो एक लोअर एनर्जी है। लेकिन उस जगह पर क्योंकि रोज 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 इतनी प्रेयर हो रही है, उस जगह की एनर्जी क्या होती है, ये अफेक्ट नहीं कर पाता उसके ऊपर, इसीलिए वो जगह बच जाती है। इट इज नो मैजिक, इट इज नो मिरेकल, इट्स प्योर साइंस कि वो पॉजिटिव ऊपर रह गई। क्योंकि ये जो कलामिटी आई है, वो एक वाइब्रेशन पर आई है।
इसकी वाइब्रेशन पर इसको जो जो चीज मिलेगी ये उसको ही अफेक्ट कर सकती है, जो चीज इसके ऊपर की वाइब्रेशन पे ये उस तक नहीं टच कर सकती है। तो चाहे वो कलैमिटी फिजिकल है, चाहे वो कलैमिटी यहां से है, उसको जो जो अपने लेवल पे मिलेगा ये उसी का नुकसान कर सकती है, ऊपर नहीं टच कर सकती। तो एवरी डे क्रिएट अ थॉट, गॉड्स प्योरिटी एंड पावर इज अ वाइट ब्यूटिफुल एनर्जी सर्कल अराउंड मी। किसी की सोच भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है, हार्म तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन किसी की थॉट भी मेरे सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। समझते हो कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परम आत्मा बाबा, शिक्षक और सद्गुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएंगे। ये असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है तो कितना भाग्य है। सिर्फ बाबा नहीं लेकिन शिक्षक और सद्गुरु भी बने। जैसे भक्त लोग कहते हैं, भगवान जब राजी हो जाता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो ये भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आए हैं। वो तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते, लेकिन ये तो आकाश तत्व से रहने वाले पांच तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य सदा याद रहे। ये तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गई तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है। डू यू कंसिडर योर सेल्व्स टू बी सच एलिवेटेड सोल्स दैट द सुप्रीम सोल हिमसेल्फ हैज बिकम योर फादर, टीचर एंड सदगुरु? Who could have a fortune greater than this? You would never even have thought of having such a fortune that you would find God in all relationships. Your fortune is so great that even something impossible has become possible in a practical form. He is not just your father, but he has also become your teacher and Sadguru. Devotees say that when God is pleased with you, he rewards you with everything by tearing through the roof and giving you everything. So, here too, he comes from beyond the element of the sky in order to reward you. They simply speak of God rewarding you by opening up the roof. Whereas here, the one who lives beyond the five elements and even beyond the sky comes in order to reward you. So, look how fortunate you are. You should constantly remember your great fortune, which has now become your practical life.